हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने और सबसे बड़ी अपडेट को लेकर वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए साथियों, नोट सेट 2023 के लिए जो पहला फेज है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप सभी को ऑनलाइन आवेदन कर देने हैं। नोट सेट 2023 आप सभी को पता है साल में अब दो बार होने वाला है। उसके लिए पहले नोट सेट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट, बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने की हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जीएनएम कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों, जीएनएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 50 बेड हॉस्पिटल में कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो आप सभी ये थोड़ा ध्यान रखें कि एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एम्सएज के लिए साथियों 18 से 30 साल आपकी उम्र रखी गई है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो एज है उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर्म फीस साथियों वही रखी गई है। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये हैं। SC ST के लिए 2,400 रुपये रखी गई है। डिसेबिलिटी पर्सन के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। जो भी SC ST कैंडिडेट हैं वो जैसे ही एग्जामिनेशन में अपियर होंगे उसके बाद उनकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। एग्जाम साथियों आपका 3 जून 2023 को ही होने वाला है। इसके अंदर कोई भी चेंजेज यहाँ पर नहीं किया गया है। देखिए साथियों, आपके ऑनलाइन आवेदन है साथियों, आप 12 अप्रैल 2023 से लेकर 5 मई 2023 तक आपको फॉर्म फिलअप कर देने हैं। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट अगर कोई चेंज होती है तो हम आपको तुरंत बता देंगे। यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए यही है कि जो वैकेंसी की जो संख्या है वो एक साथ ही बता दी गई है। तो आपको बार बार ये वैकेंट नहीं करना पड़ेगा कि अब किस एम्स में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो साथियों टोटल यहां पर 3,055 जो पोस्ट हैं उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल 18 जो एम्स हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। लगभग सभी एम्स के अंदर जो वैकेंसी आई है, इसके अलावा जो NTRD है उसके द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो भी हम आपको तुरंत प्रभाव से बता देंगे। साथियों इसके अलावा आपके जो सिलेबस यहाँ पर रखा गया है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये साथियों आप देख पा रहे हैं आपके लिए जो एग्जामिनेशन होने वाला 3 घंटे का होने वाला, 200 MCQ आपके आएंगे, 180 MCQ आपके नर्सिंग से आएंगे, 20 MCQ साथियों आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से आने वाले हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 50% और EWS के लिए 50% रखे गए हैं। 45% OBC के लिए रखे गए हैं और 40% SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखे गए हैं क्वालिफाई होने के लिए। 1/3 साथियों आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यदि कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर सूचना दी जाएगी। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद साथियों।